वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लास नाइन्थ में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है उसमें डायरी एंट्री को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो डायरी एंट्री क्या होती है कि हमने हमने जो पिछले कुछ बीते हुए दिनों में या आज सुबह से शाम तक जो हमारे साथ घटनाएं घटी, हम उसको उन घटनाओं को, उन अच्छे विचारों को या बुरे अनुभव को हम अपनी भाषा में, अपने अनुभव में, अपनी पर्सनल डायरी में अपने विचार लिखते हैं। इसमें जैसे हम कोई भी चीज़ें आ सकती है लिखने को, जैसे हमारे स्कूल में कुछ प्रोग्राम हुआ तो उसके ऊपर, या हमारे हमने स्पोर्ट डे मनाया, या हमने कोई कैंप में गए, या कहीं हम घूमने गए, टूर पे गए, तो वो सब के बारे में हम इस डायरी एंट्री में लिखते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। कहता है कि यू आर सुष्मिता, तुम सुष्मिता हो, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, कक्षा नौवीं की विद्यार्थी हो। यू पार्टिसिपेटेड, यानी तुमने पार्टिसिपेट किया था, इन एन इवेंट प्रमोटिंग प्लांटेशन ऑफ ट्री फॉर ए ग्रीनर सिटी। तो स्कूल मतलब शहर में हरियाली के लिए तुमने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसमें तुमने प्रमोशन किया था प्लांटेशन ऑफ ट्री, ये वो टॉपिक था, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। प्लांटेशन ऑफ ट्री माने पेड़ों को लगाना। तो राइट ए डायरी एंट्री, तो आपको एक डायरी एंट्री लिखना है इन 100 to 120 words, तो 100 से 120 शब्दों में तुम्हें डायरी एंट्री लिखना है। और शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, तो आपको अपने अनुभव को शेयर करना है यूजिंग द विजुअल गिवन बिलो। नीचे जो आपको विजुअल दिख रहा है, इस विजुअल को देखते हुए आपको अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है डायरी के साथ। ठीक है, तो चित्र में हमें दिख रहा है कि हमारे प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके आंसर हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। आंसर को डायरी एंट्री को लिखते समय हमें बक्से में लिखना होता है, तो बक्सा भी क्लोज नहीं करना है, पहले आपको पूरा डायरी एंट्री लिख लेना है, उसके बाद बक्से में बंद कर देना है। शुरुआत कैसे करते हैं, तो शुरुआत में हम कोई डेट डाल देते हैं, जैसे हम थर्सडे लिख दिए कि आज वीरवार है, 1 जुलाई, कोई भी जैसे तारीख है, तो 1 जुलाई 2023 या जिस दिन आप लिख रहे हो, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन वाली तारीख लिख देना है। ठीक है, फिर समय भी होता है, रात को लिख रहे हो या सुबह लिख रहे हो, कई जने सुबह लिख लेते हैं, कई जने रात में, तो आप अपने अनुसार समय लिख दो, 8:30 AM या PM। फिर एक लाइन का गैप रखना है, फिर डियर डायरी लिख देना है, अपनी डायरी को डियर डायरी लिख देना है, फिर लिख देना है आई फील प्राउड, कि मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है, टू टेल यू, तुम्हें ये बताकर गर्व का अनुभव हो रहा है कि दैट वन कि माई स्कूल हैड ऑर्गेनाइज, कि मेरा स्कूल जो है उसने ऑर्गेनाइज किया था, यानी प्रबंधन किया था, ऑन इवेंट एक इवेंट बनाया था, उसका प्रबंधन किया था, फॉर प्रमोटिंग प्लांटेशन ऑफ ट्री, जिसके अंदर पेड़ पौधों को रोपने का प्रमोशन किया गया था। ठीक है, आई वॉज सो हैप्पी, मैं काफ़ी खुश था, टू बी ए पार्ट ऑफ इट, मैं क्योंकि इसका पार्ट था तो मैं काफ़ी खुश था, इट वॉज रियली ग्रेट, ये वास्तव में बहुत बढ़िया था, टू सी स्टूडेंट, ये देख कर कि जो बच्चे थे कम अप विद आइडियाज ऑन सेविंग अवर इन्वायरमेंट, कि बच्चे विचारों के साथ आए थे कि पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, यानी विद्यार्थियों ने पूरी तैयारी करके आए थे कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके पूरे उनके पास अच्छे आइडियाज और विचार थे। आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल टू नो दैट, मैं पूरी तरीके से रोमांचित होता ये जानकर कि प्लांट से ट्री इज सो मच फन, कि पेड़ पौधों को जो लगाना है वो कितना मज़ेदार है। ठीक है, उसको मतलब लगा के कितना मज़ा आता है। अवर प्रिंसिपल हैड ऑर्डर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सैपलिंग्स फॉर द इवेंट फ्रॉम ए प्लांट नर्सरी नियर बाय, कहते हमारे प्रधानाचार्य में नज़दीक के नर्सरी प्लांट नर्सरी से बहुत सारे पौधे, सैपलिंग्स मैंने बहुत सारे पौधे, बड़ी संख्या में पौधे का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था,
एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, हर विद्यार्थी और अध्यापक वॉज सपोज टू प्लांट वन सेपलिंग एज ए पार्ट ऑफ द इवेंट। इस इवेंट के तौर पर हर विद्यार्थी और टीचर को एक पौधा जो है लगाने को दिया गया, सपोर्ट किया गया कि हर बच्चा और हर टीचर इस पौधे को लगाएगा अपने हाथ से। आई फेल्ट लाइक ए पेरेंट टू द सेपलिंग्स। ठीक है, ये सेपलिंग से पौधे को लगाकर ना मुझे ऐसे लगा कि मैं उनका माता पिता हूँ। आई प्लांटेड यानी जो पौधे मैंने लगाए, मुझे लगा मैं उनका माता पिता हूँ, माता पिता जैसा लगा। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था टू लर्न यानी ये जानकर कि दैट मैंने कि ट्री प्लांटेशन हेल्प अस इन सो मैनी वे, कि पेड़ पौधे को लगाना हमारा कई तरीके से मदद करता है, उसके कई फायदे हैं। आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू शेयर ऑल दिस विद यू एंड माई अदर फ्रेंड। मैं इस बात को लेकर भी काफ़ी उत्सुक था कि मैंने ना अपने दोस्तों के साथ और तुम्हारे साथ ये चीज़ें शेयर करी, लोगों के साथ शेयर करी, तुम्हारे साथ और अपने दोस्तों के साथ मैंने पेड़ पौधे को लगाने को शेयर किया। आई एम वेरी हैप्पी, मैं काफ़ी खुश हूँ टू हैव कंट्रीब्यूटेड, कि मैंने इसमें योगदान दिया। वट एवर स्मॉल बिट, चाहे मैंने थोड़ा सा ही योगदान दिया हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई कुड फॉर ए ग्रीनरी सिटी, कि मैं जो अपने हरे भरे शहर के लिए कर सका, उसके लिए मुझे खुशी है कि मैं थोड़ा भी बहुत योगदान दे सका या दे सकी। फिर अपना नाम लिख देना आखिरी में, सुष्मिता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका डायरी एंट्री लिखा जाता है। ये काफ़ी मैंने बड़ा लिख दिया है पेपर में, हम चाहे तो इसको छोटा लिख सकते हैं। ठीक है।